न्यूज मैं हूँ आपके साथ अनन्या बेदी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में आप अगर अपनी राशि के अनुसार दिवाली पर इन चीजों का दान करते हैं तो इससे आपको माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश की भी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही आप अपनी राशि के अनुसार ही वस्त्र धारण कर लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे 31 अक्टूबर को क्या कहते हैं आपके सितारे, ये आपको आपके राशि के अनुसार हम बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ ऋतु जी बनी हुई है, साथ ही हमारे साथ मृगेंद्र चौधरी ज्योतिषाचार्य हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मृगेंद्र जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे तमाम दर्शक हैं, राशि के अनुसार क्या खास इस दिवाली वो दान कर सकते हैं और किस तरह से माँ लक्ष्मी की पूजा करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, एक एक करके राशि के अनुसार आप बताइए। जी धन्यवाद। 31 अक्टूबर को कार्तिक पक्ष की जो है अमावस्या, शाम के समय लगभग 3:52 पर स्टार्ट हो जाएगी, तो लक्ष्मी पूजन आपको उसी दिन ही करना है, क्योंकि लक्ष्मी माता जो है रात के समय आपके घर में जो है आगमन उनका होता है, तो लक्ष्मी पूजन रात के समय ही किया जाएगा। क्या क्या उपाय आपने करना है, जिनका मेष लग्न बनता है यानी जिनके लग्न के अंदर एक नंबर राशि आती है, उनको जो है लक्ष्मी माता के मंदिर में या फिर अगर आपके घर में लक्ष्मी माता का जब आप पूजन करते हैं उसके उपरांत उनको आपने थोड़ा सा शहद अर्पित करना है, इसके साथ गुलाब का एक फूल अर्पित करना है। अगर आप धन का आगमन चाहते हैं तो आप 108 बार शुक्र देवता के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इसका जप करने के बाद आप लक्ष्मी माता को खोए की बर्फी का जो है भोग लगाएं। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के जिनके लग्न के अंदर दो नंबर आता है उनका बनता है वृषभ लग्न, तो अगर आपका वृषभ लग्न है तो आपने लक्ष्मी माता को क्या अर्पित करना है, आपने उनको कमल का फूल अर्पित करना है। इसके साथ साथ उनको आपने जो है चीनी की रेवड़ी अर्पित करनी है। और अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने सेकेंड हाउस के लॉर्ड यानी बुद्ध देव के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, इसका 108 जप करने के बाद लक्ष्मी माता जी को आपने 3 हरी चूड़ियाँ और 3 मीटर हरा कपड़ा जो है दान करना है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की, यानी जिनके लग्न के अंदर 3 अंक आता है उनको क्या उपाय करना है। लक्ष्मी पूजन के बाद आप लक्ष्मी माता को नारियल की बनी हुई बर्फी और मूंग दाल का हलवा आप अर्पित करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप धन को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने धन भाव के स्वामी चंद्रदेव के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रम सह चंद्रमसे नमः, इसका 108 बार जप करने के बाद लक्ष्मी माता के चरण धोने के बाद आप चंद्रमा को अर्घ भी देंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है इसमें आपके सामने नहीं रहेंगे, तो आप मन से जो है उनको अर्घ देंगे, इससे आपको धन का जो है आगमन होगा। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। अगर आपके लग्न के अंदर जो है 4 अंक लिखा हुआ है यानी आपका कर्क लग्न है, तो आपने लक्ष्मी माता को क्या करना है, दूध के अंदर थोड़ा सा केसर मिला करके अर्पित करना है और अपने धन भाव के स्वामी सूर्य देव के बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इसका जप करते हुए 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम शहद लक्ष्मी माता को अर्पित करना है। जी अब बात करते हैं, चलिए आगे हम राशियों के बारे में मृगेंद्र जी और भी जानेंगे, लेकिन मैं ऋतु जी से भी चाहूंगी कि राशियों के अनुसार क्या किसी खास कलर का उपयोग करके या खास कलर के वस्त्र पहनकर हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और राशि के अनुसार किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है इस दिवाली पूजन में। बिल्कुल, देखिए राशि के अनुसार हम वस्त्र पहनकर माँ की पूजा कर सकते हैं और माँ को भी अपनी राशि के अनुसार वस्त्र और श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं, नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। इससे भी आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रह मजबूत होते हैं और उनके सकारात्मक परिणाम आपको मिलते हैं। मेष लग्न या मेष राशि अगर आपकी है तो माँ को आज के दिन पान के पत्ते पर थोड़ा सा शहद रख के अर्पित कीजिए और लाल वस्त्र, लाल चुन्नी आप अर्पित कर सकते हैं और स्वयं भी लाल रंग के वस्त्र धारण कीजिए। वैसे भी अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है, अगर आप थोड़ा परेशान हैं संशय में, तो लाल वस्त्र माँ लक्ष्मी का वैसे भी पसंदीदा कलर है, तो आप नहीं पता तो भी आप कर सकते हैं। वृष लग्न या वृष राशि वालों को देखिए श्वेत कलर, माँ लक्ष्मी को आज खोए की मिठाई का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं और उनका अभिषेक आज आपको दूध से करना चाहिए और स्वयं भी कोशिश कीजिए कि आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कीजिए, साथ में आप लाल दुपट्टा या कुछ ले सकते हैं अगर चाहते हैं तो।
मिथुन राशि के लोग या मिथुन लग्न के लोग आज माता को मूंग के दाल का जो है हलवा या मूंग के दाल की जो मिठाई होती है वो अर्पित कर सकते हैं, या फिर देखिए एक पान ऐसी चीज़ है जो हर राशि और हर लग्न के लोग माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी को तांबूल यानी पान बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप स्वयं हरे रंग के वस्त्र पहनिए और माता को मेहंदी अर्पित कीजिए श्रृंगार में। कर्क राशि के लोग उनको भी दूध या दही इसका भोग माता को ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन कर्क लग्न के लोग आज माँ को इत्र मोगरे का इत्र अर्पित करें और माता को सफ़ेद रंग की मिठाई चढ़ा सकते हैं, कलाकंद चढ़ा सकते हैं और माँ को आज के दिन बिछुए अर्पित करें कर्क राशि के लोग। सिंह राशि के लोगों को माँ को चूड़ियाँ अर्पित करनी चाहिए और लाल रंग के या थोड़ा सा नारंगी रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए, और स्वयं भी आप कोशिश कीजिए कि आप नारंगी रंग का वस्त्र धारण कीजिए। गुड़ मिश्रित मिठाई का भोग लगाइए माँ लक्ष्मी को, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और श्रृंगार में उनको आज हम सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं सिंह राशि के लोग। कन्या राशि के लोग हरे उनका क्योंकि उनके लग्न जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं, तो आज के दिन वो तुलसी पूजन उनको करना चाहिए। साथ ही माता को कोई भी वो शहद तो देखिए हर कोई अर्पित कर सकता है, शहद और गुड़ से निर्मित मिठाई अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन अगर वो चने और पूड़ी घर में बनाकर उसका नैवेद्य अर्पित करें माता को, और माता को नीले रंग के पुष्प की माला पहना सकते हैं और एक कमल का फूल अर्पित कीजिए। स्वयं भी वो श्वेत वस्त्र आज पहन सकते हैं, श्वेत या फिर थोड़े चमकीले वस्त्र आज पहन सकते हैं। साथ ही साथ अगर उनको लगता है कि बहुत सारा धन चाहिए तो आज माता को सुपाड़ी पान में सुपाड़ी रख के अर्पित कीजिए। तुला राशि के लोगों के लिए भी वही बात है कि तुला राशि के लोग भी देखिए क्योंकि शुक्र उनके भी लग्न लॉर्ड हैं तो उनको भी श्वेत या फिर ऑफ वाइट या थोड़ा सा गुलाबी रंग का वस्त्र आज पहनना चाहिए। माता को गुलाबी रंग की चुन्नी अर्पित करनी चाहिए और माता को श्रृंगार में हार अर्पित करें आज के दिन, या माता को आप जो नाखून पर लगाते हैं नेल पॉलिश ये अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार की कोई भी वस्तु जो तुला लग्न के लोग हैं वो माता को अर्पित करें। लेकिन इत्र और पान दो चीज़ें ऐसी हैं जो हर राशि के लोग माता को चढ़ा सकते हैं। वृश्चिक लग्न आ गए क्योंकि इनके लग्न लॉर्ड मंगल है, तो इनको भी गुड़ से निर्मित कोई मिठाई माता को अर्पित करें, साथ में खील और बताशे चढ़ा सकते हैं। सिंघाड़ा अगर वृश्चिक लग्न या राशि के लोग माता को सिंघाड़ा अर्पित कर सकते हैं। वृश्चिक के बाद धनु लग्न आता है तो धनु लग्न के लोगों को आज माता को कमल गट्टा अर्पित करना चाहिए, कमल का फूल अर्पित करना चाहिए और एक चांदी से या पीतल का कलश अर्पित कर सकते हैं जो कि चावलों से भरा होना चाहिए। एक सिक्का माँ को चढ़ा सकते हैं धनु लग्न के लोग और साबुत हल्दी की गांठ। मकर लग्न के लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि नीले पुष्प माता को आज चढ़ाएं, नीले रंग के वस्त्र माँ को अर्पित करें, स्वयं भी नीला वस्त्र पहन सकते हैं। कुंभ लग्न के लोग भी आज माता को पान सुपाड़ी अर्पित कर सकते हैं, एक चांदी की छोटी सी मछली अर्पित कर सकते हैं चांदी का, अगर आप चांदी का नहीं कर सकते तो वैसे ही मिट्टी का आप छोटा सा हाथी लेकर माँ को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इससे कहते हैं घर में सुख और समृद्धि आती है। साथ ही साथ गोमती चक्र आप जरूर चढ़ाइए आज माता को और शांति कौड़ी कुंभ लग्न वालों को चढ़ाना बहुत अच्छा है। मीन राशि वाले लोग साबुत हल्दी की गांठ आज माता के पास रखें और फिर पूजा करने के बाद उसको अपने घर के तिजोरी में रखें, पीले वस्त्र माँ को अर्पित करें, पीली मिठाई पीला पुष्प चढ़ा सकते हैं, स्वयं भी पीले रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं और पीले रंग का कोई भी श्रृंगार माता को आज अर्पित कीजिए। तो ऐसा करने से आपके ग्रह भी मजबूत होते हैं और माता की कृपा भी प्राप्त होती है जी। इसके साथ ही मृगेंद्र जी, क्योंकि धनतेरस की जब हम बात करते हैं तो दीपक जलाने का आज पूजन करने का शुभ मुहूर्त आपके हिसाब से क्या है, किस दिशा में दीपक जलाना जरूरी है? देखिए दीपक जलाने का जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा आज रहेगा 6:31 से लेकर के 8:13 तक शाम के समय, और जो अब धनतेरस में आपने सबसे पहले गणपति जी की पूजा करनी है, ठीक है, उनको मोदक का भोग लगाइए, साथ में दुर्वा अर्पित करिए, उनके बीच मंत्र गम गणपति नमक आप जप कर सकते हैं 108 बार या 1008 बार, वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। उसके बाद आप जो है माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, माता लक्ष्मी को जो है आप गुलाब
और जो है इत्र और इसके साथ लाल चुनरी और श्रीफल अर्पित करेंगे। उसके बाद जो है आप धन्वंतरी जी की पूजा करेंगे और आपको उत्तर दिशा में जो है 13 दीपक जरूर जलाने चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपने घर के दरवाजे के साउथ डायरेक्शन में भी एक दीपक जरूर लगाना चाहिए, जो कि यम के नाम का लगाया जाता है। क्योंकि देखिए धन्वंतरी जी स्वास्थ्य के देवता है और स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना जाता है, परंतु उसके विपरीत जो यमराज हैं वो मृत्यु के देवता हैं, तो थोड़ा सा उनको भी पहले अगर आप दीपक लगा देंगे उनके नाम का तो आपकी जो बाधाएं हैं वो काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल। और मृगेन जी, मैं चाहूँगी कि आप सिंह और कन्या राशि के भी जातकों को ये जानकारी दें कि किस तरह से वो दिवाली के पूजन में किन बातों का खास ख्याल रख सकते हैं। देखिए सिंह राशि के जो जातक हैं, सिंह लग्न की बात करूंगा, सिंह लग्न के जो जातक रहते हैं उनके आजकल जो है आज की तारीख अगर बात करते हैं तो सूर्य जो है तुला राशि में बैठे हुए हैं, नीच के ऊपर बैठे हुए हैं, तो जिनका लग्न का स्वामी जो नीच का बैठा हुआ है तो सबसे पहले इसके साथ साथ जो है उनका जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है मंगल वो भी नीच का बना हुआ है और धन भाव में उनके नीच के केतु बैठे हुए हैं, तो कुल मिलाकर के स्थिति बहुत ही खराब बनी हुई है। तो सबसे पहले आप इन तीनों ग्रहों को लेकर के दान करें। सूर्य को उत्तम करने के लिए आप एक लोटा गेहूं भर के उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ रख करके सूर्य नारायण के मंदिर में, अगर अवेलेबल नहीं है आपके आसपास तो आप शिव मंदिर में उसका दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ शिवलिंग के ऊपर जो है आप 3 बेलपत्र का जो है दान करेंगे, उनको अर्पित करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि केतु को क्या दान करना है, तो जो चितकबरा कुत्ता होता है यानी ब्लैक कलर का डॉग ना हो, 2 रंग का हो, 3 रंग का हो, भूरा हो, उसको आप आटे के बने हुए बिस्किट लगभग 6 बिस्किट तो जरूर खिलाएं। इसके साथ साथ अगर वो नारियल बर्फी खा सकता है तो वो भी उसको आप खिलाएं। अब बात करते हैं मंगल के दान की। भगवान हनुमान जी के मंदिर में आप शहद का दान करेंगे, 80 ग्राम शहद का दान कर दीजिए, साथ में 800 ग्राम लाल बूंदी को जो है भोग लगा करके उसको वहाँ पर आप बांट दीजिए, इससे आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी जी। साथ ही कन्या राशि के जातकों को किन चीज़ों कन्या राशि की अगर बात करते हैं तो इनके लग्न में नीच केतु बैठे हुए हैं तो मानसिक स्थिति खराब रहने वाली है। इनके जो लग्नेश हैं बुध वो इनके 3rd हाउस में यानी पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और 4th हाउस के लॉर्ड जो है बृहस्पति हैं वो इनके बैठे हुए हैं वृषभ राशि के अंदर। इनके 2nd हाउस में सूर्य नीच का बैठा हुआ है तो धन की स्थिति खराब रहेगी, स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो गणेश जी को उनका गणेश अथर्वशीर्ष का 11 बार पाठ करने के बाद उनके चरणों पर दूध मिश्रित जो है जल आप चढ़ाएं, उनको जो है 11 दुर्वा अर्पित करें, उनको 11 मोदक का भोग लगाएं। इसके साथ साथ भगवान सूर्य नारायण के मंदिर में आप जो है 700 ग्राम गेहूं जो डालकर के तांबे के लोटे के ऊपर अंदर उसमें जो है 700 ग्राम गुड़ रख करके आप सूर्य नारायण के मंदिर में दान कर दें और भगवान शंकर के मंदिर में 700 ग्राम चावल और साथ में 700 ग्राम दूध का दान आप करें जी। तुला राशि के जातक किन बातों का ख्याल रख सकते हैं? तुला राशि वालों की बात करते हैं तो उनके लग्न में सूर्य नीच के बैठे हुए, स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो विष्णु भगवान के मंदिर में वो जो है 7 मीटर मैरून कलर का कपड़ा दान करें। इसके साथ साथ 700 ग्राम दही के अंदर थोड़ी सी मिश्री मिला करके जो है कन्याओं को खिलाएं, इससे उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उनके 2nd हाउस में शुक्र और बुध ग्रह बैठे हुए हैं तो स्थिति धन की उत्तम बनी हुई है, परंतु 2nd का जो लॉर्ड है मंगल वो नीच का बन के बैठा हुआ है 10वें स्थान पर। तो भगवान हनुमान जी के मंदिर में एक चोला चढ़ा दें, इसके साथ साथ उनको जो है सिंदूर का टीका लगाएं और वहाँ पर बैठ करके हनुमान चालीसा का 4 बार पाठ करें तो आपको जो है धन का आगमन हो जाएगा। इसके साथ ही मैं मृगेंद्र जी आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि क्या कोई खास ऐसे मंत्र हैं जिससे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है? जो लोग अपने व्यापार में तरक्की चाहते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ में हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं, उनके लिए कोई मंत्र जिनका उच्चारण किया जा सकता हो? जी बिल्कुल, ऐसे मंत्र हैं। सबसे पहले अगर आप माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करिए ताकि जो आपके कार्य में, आपके व्यापार में या आपकी नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, जो विघ्न आ रहे हैं उनका हरण हो जाए। गम गणपति नमः का जो है बीज मंत्र इसका आप जप कर सकते हैं, 1008 बार करने के बाद जो है भगवान गणेश जी का एक हवन करिए। आप दूध लीजिए, दूध में थोड़ा सा आपने जो है केसर डाल लेना है और दुर्वा दूध में भिगो करके आप 1008 आहुति कर डाल देंगे तो आपकी जॉब में जो समस्याएं आ रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप जो है माता लक्ष्मी के बीज मंत्र श्रीम, इसमें आपको ई की मात्रा को थोड़ा जोर देके बोलना है क्योंकि बड़ी की मात्रा है। श्रीम जो है इस बीज मंत्र का अगर आप जप कर लेते हैं, खास करके अगर आपको धन की बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है तो संकल्प लेकर के या किसी ब्राह्मण के द्वारा आप जो है संकल्प करा करके श्रीम बीज मंत्र का 125,000 जप कर लीजिए। उसके बाद आप इसका जो है 12,500 कमल के फूल को शहद में डुबो करके अगर आप हवन कर लेते हैं, बिजनेस में जितनी मर्जी बड़ी समस्या आपको अगर आई हुई है, अगर आपको जॉब नहीं लग रही है, निश्चित तौर पर वो समाप्त हो जाएगी। आपका जो है मनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने लग जाएंगी और आपको जॉब भी मिल जाएगी। ये एक कहते हैं कि अचूक रामबाण उपाय है।
बिल्कुल। और ऋतु जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, क्योंकि हम घर की पूजा को लेकर तो किन बातों का ख्याल रखना है इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, जो अपने दुकानों में, अपने शोरूम्स में जाते हैं पूजा करने के लिए, उसके लिए मुहूर्त क्या है और वहाँ पर जब पूजा करते हैं तो किन सावधानियों को बरतने की ज़रूरत है? देखिए, चाहे घर में अगर हम पूजा करते हैं या व्यापार में भी पूजा करते हैं, तो पूजा की जो विधि है वो करीब करीब एक जैसी है। पूजा जो हम करते हैं, कभी कभी पंचोपचार पूजा है, षोडशोपचार पूजा है और राजोपचार पूजा है। तो तीनों पूजा जो उसकी जो आप अगर पंचोपचार पूजा करते हैं तो वो थोड़ी शॉर्ट में है, तो वो आप आराम से अपने व्यापार स्थल पे कर सकते हैं। उसमें सिंपल आपको देवी माँ लक्ष्मी का आह्वान करना है, अगर आपके व्यापार में माँ लक्ष्मी की मूर्ति है तो उसी विधि से जैसे हम घर पे करते हैं कि लाल आसन पे उनको विराजित करना है, पुष्प चढ़ाने हैं, उनको नैवेद्य अर्पित करना है और जो फल फूल पुष्प और धूप दीप से पूजा की जाती है। मतलब बहुत साधारण पूजा है जो कि आप आराम से कर सकते हैं। इसमें एक प्रश्न बार बार आता है कि अगर मुहूर्त के समय आप अवेलेबल नहीं हैं, आप पूजा नहीं कर सकते हैं, आप अपनी कार में हैं या उस दिन आपको छुट्टी नहीं है या आप नहीं कर पा रहे हैं, सफ़र में हैं, तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। वो मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा असमंजस में परेशान हैं कि हम इस मुहूर्त निकल जाएगा, जैसे अगर आज का भी मुहूर्त देखें, दीपावली का मुहूर्त देखें कि शाम को 6:30 से 8:11 के बीच में है, तो आप उस समय मानसिक रूप से संकल्प ले सकते हैं, आप पूजा आरंभ मानसिक पूजा आरंभ कर सकते हैं, उसका भी उतना ही फल निश्चित है हमारे शास्त्रों के अनुसार जितना हम माँ के सामने या ईश्वर के सामने समक्ष होकर पूजा करते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं और अपने व्यापार स्थल में भी आपको पूरी साफ़ सफाई जैसे की जाती है, जो जो चीज़ें हम घर में करते हैं, आप गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं कि जैसे वहाँ से नेगेटिविटी दूर हो और पॉजिटिव एनर्जी आपके व्यापार स्थल में आए। और वहाँ पर भी आपको गणेश और गौरी की पूजा करनी है। हमेशा लक्ष्मी पूजा में हम गणेश जी को अवश्य रखते हैं क्योंकि विघ्नहर्ता भगवान गणेश हैं, तो गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी है। मंत्र जाप, आप जैसे ओम श्रीम नमः, बहुत छोटा सा मंत्र है, ये कर सकते हैं। और सूखे मेवे आप चढ़ा सकते हैं, अगर आप भोग बना नहीं सकते तो सूखे मेवे वहाँ चढ़ा सकते हैं। और व्यापारिक पूजा में भी सबसे ज़्यादा होता है कि हम एक यंत्र इस दिन अवश्य लगाएं, चाहे वो माँ अष्टलक्ष्मी का यंत्र हो। आठ तरह की, देखिए अष्टलक्ष्मी का भी बड़ा महत्व है, तो जिनके व्यापार स्थल में अष्टलक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति या कुछ ऐसा विग्रह होता है तो वो भी बहुत अच्छा है। इस दिन वास्तु यंत्र आप स्थापित कर सकते हैं, व्यापारिक यंत्र है वो आप स्थापित कर सकते हैं और इस तरह से आप पूजा करके मिष्ठान अर्पित कर सकते हैं और माँ की पूजा कर सकते हैं बहुत साधारण विधि से। तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है कि आप घर में और व्यापार में बहुत ज़्यादा अंतर हो। बिल्कुल। मृगेंद्र जी, मैं चाहूँगी कि आप वृश्चिक और कुंभ राशि के बारे में बताएं कि इस जाति के जो राशक हैं, राशि जिनकी है, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों की बात करते हैं तो इस दिन उनके लग्नेश नीच के बने रहेंगे, ठीक है, 9th हाउस के अंदर, और उनके सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं बृहस्पति देव, वो वृषभ राशि में बैठे हुए हैं 7th स्थान में, यानी व्यापार से धन प्राप्त करने के काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। जो व्यक्ति कॉस्मेटिक्स का जो व्यापार करते हैं, कपड़े के व्यापार में है या फिर होटल इंडस्ट्री में है, तो उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। इस स्थिति में आपने करना क्या है, एक तो भगवान हनुमान जी के मंदिर में आप जो है बूंदी के लड्डू जो हैं उनको 4 किलो जो है आप वितरण कर दीजिए उनको भोग लगाने के बाद। इसके साथ साथ बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद कलर की गाय को 9 किलो बेसन के लड्डू आप खिलाएं, एक हो, दो हो, तीन हो, गौशाला में जाकर आप खिला सकते हैं। इसके साथ साथ शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, जो कि आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं, आप जो है गौमूत्र से जो है स्नान करें और गौशाला के अंदर आप जो है घी का दान भी करें। तो ये 3 उपाय अगर आप करते हैं तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए धन का आगमन निश्चित तौर पर हो जाएगा। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के स्वामी लग्न में लग्नेश शनि बैठे हुए हैं, परंतु इनके सेकंड हाउस में नीच के राहु विराजमान हैं और सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं बृहस्पति, वो वृषभ राशि में बैठे हुए हैं 4th स्थान पर। तो प्रॉपर्टी से धन कमाने के तथा जो टूरिज्म का काम करते हैं, यानी जिन्होंने गाड़ियाँ डाली हुई, जिनकी कारें चलती हैं या जिनका प्रोडक्शन हाउस है, उनको धन कमाने के बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। केवल एक छोटा सा उपाय करना है, वो क्या है, सेकंड हाउस में जो नीच का राहु बैठा हुआ है तो आपकी तरफ आते हुए धन को वो रोक रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, काले कुत्ते को 12 बेसन के लड्डू खिलाएंगे, इसके साथ साथ बृहस्पति मंदिर में 12 किलो बेसन, 12 किलो काले उड़द और 12 नारियल का आपने दान कर देना है। इससे